मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। मॉम आप ठीक है? मॉम को तो बुखार है। क्या? अरे आरजी इनको तो बहुत बुखार है। मॉम आप ठीक तो है ना? संभव हम मॉम को टेस्ट के लिए नहीं ले जा पाएंगे। मॉम को बहुत बुखार है, उनका शरीर पूरा कपकपा रहा है। फिर तो इनको अभी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अरे आजकल डेंगू इतना फैला हुआ है, अब तो इनके टेस्ट कराने और भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है चलो मॉम, हम आपको अभी हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए उठिए। उठिए मॉम। माँ नहीं बेटा, अब मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाऊंगी, मैं यही आराम करूंगी और ठीक हो जाऊंगी। अगर मैं बाहर गई तो मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी बेटा। बेटा मुझे आने जाने में और भी परेशानी होगी, मुझे कहीं नहीं जाना। निहार जी हमें काम करते हैं, हम आज माँ को दवाई दे देते हैं, अगर बुखार उतर गए तो ठीक है, नहीं तो कल हम हॉस्पिटल ले जाएंगे। मुझे लगता है जमीन पर सोने की वजह से इनको सर्दी लग गई है। हाँ बेटा ये सही रहेगा, इन्हें दवाई दे करके आराम करने देते हैं, ठीक है ना भैया? चलो बेटा। माँ आप प्लीज उठिए ना, बेड पर सो जाइए ना। माँ प्लीज कोई कहीं नहीं ले जाएगा आपको। हाँ उठिए। अगर उठी तो बगल में रखी प्याज और हीटिंग पैड सबको दिख जाएगी, मेरी पोल खुल जाएगी। मॉम उठिए ना प्लीज, आप क्या सोच रही हैं? चलिए आइए। अब बेटा बेटा तुम लोग सब जाओ, मैं अभी बिस्तर पर जाकर आराम से लेट जाऊंगी। मैं हेल्प करता हूँ बुआ जी की उठने में। हाँ आइए बुआ जी उठिए। अपने आप आ जाएंगे वो बेड पे, हम लोग चल रहे, आप सो जाइए। चलो मैं दवाई लेकर आती हूँ। दवाई लेकर आती हूँ। ये क्या है? हीटिंग पैड यार। निहार जी कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ का शरीर इसकी वजह से गर्म हो रहा है? बेटा मुझे ना बहुत सर्दी लग रही थी, कपकपी के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था, तो वो एक नौकर ने ना मुझे ये ला कर दिया और कहा कि इससे मुझे गर्माहट आ जाएगी, इस वजह से मेरी कपकपी थोड़ी सी कम हुई है, लाओ बेटा दे दो। आरुचिता वो हीटिंग पैड की वजह से बुखार नहीं होगा, और वैसे भी ये तो उनके पैरों के नीचे है। आप सही कह रहे हैं निहार जी, मैं दवाई लेकर आती हूँ। हाँ गुड्डी। हाँ ये तो मेरे घर का नाम है, अब तो पक्का पकड़ी गई। वाह कमाल है बुआ जी, आपको अपने बचपन का नाम याद है लेकिन अभी की कोई बात याद नहीं है। इस नाम से तो आपको पापा बुलाया करते थे ना बचपन में। किस नाम से बेटा, क्या बोल रहे हो तुम? यही जिस नाम से अभी आपने रिस्पोंड किया था, गुड्डी। क्या गुड्डी? मुझे लगा बेटा तुमने कहा बुड्ढी, इसी नाम से तो मुझे सब बुलाते हैं, बुड्ढी बुड्ढी, तो मैं बोली हाँ गुड्डी कौन है, मैं नहीं जानती किसी गुड्डी को। कुछ तो गड़बड़ है बुआ जी, जल्द ही सच जान लूंगा। Thank you.
रुचिता ने मेरा एक ही हीटिंग पैड देखा, लेकिन मैं ये नाटक कब तक करूंगी? संभव आज नहीं तो कल मेरा ये चूत पकड़ ही लेगा। क्या करूं मैं? माँ को आज खिचड़ी ही दे देती हूँ, उन्हें आराम मिलेगा। निहार जी, आपने तो डरा ही दिया। अच्छा छोड़िए, मुझे कोई देख लेगा। देखने दो, अपनी बीवी के साथ रोमांस करना इलीगल थोड़ी ना है। और वैसे भी जब से मॉम की तबीयत खराब हुई है, हमारा तो जैसे एक साथ वक्त बिताना ही कम हो गया। निहार जी, आपने कहा था ना कि संभव जी बेस्ट डॉक्टर है, तो आप बस बेस्ट की ही उम्मीद कीजिए। एक सेकेंड यार जी, अब आप विश मांगिए कि माँ जल्दी से ठीक हो जाए। रुचिता, तुम भी ना। ओह, हाउ क्यूट। कहाँ निहार, अब समझा मैं कि तुझे इस वीडियो में रुचिता भाभी में क्या दिखा? क्यों लट्टू हुआ है तू इन पर? संभव रुचिता से तमीज से बात कर। रिलैक्स ब्रो, रिलैक्स। मैं तो बस ये कह रहा था कि लोगों की इलॉजिकल बातों पे फिदा होने का टैलेंट तो कोई तुझसे सीखे। विश एंड ऑल, सीरियसली बुआ को पलक वाली विश नहीं, मैं ठीक करूंगा। बिल्कुल संभव जी, और हमें आप पर पूरा यकीन भी है। लेकिन दवाइयों के अलावा अगर हमें कोई भी चीज थोड़ी उम्मीद देती है तो उसमें हर्ष क्या है? निहार जी, मैं माँ को खाना देकर आती हूँ। काश जैसे एक गोली देने से बुखार उतर जाता है, वैसे ही माँ की बीमारी भी एक गोली से ठीक हो जाती है। से ये आइडिया बुरा नहीं है, आजमाना पड़ेगा। भाभी, आप लोग अपना रोमांस कंटिन्यू कीजिए, बुआ को मैं खाना खिला देता हूँ और उनको दवाई भी दे दूंगा उनके बुखार की। अब नहीं नहीं संभव जी, आप माँ को खाना नहीं खिला पाएंगे। मुझे नहीं लगता वो आपके साथ इतनी कंफर्टेबल हो पाएंगे। वो मेरी बुआ है, आपसे बेहतर मैं जानता हूँ उन्हें, सो प्लीज दीजिए मुझे। एक सेकेंड, ये अभी लग जाती है आपको? रुचिता को चश्मे बोलता है, लेकिन चश्मा तो तूने भी पहना, फिर भी देखकर नहीं चल सकता। निहार जी, संभव जी माँ को खाना तो खिला पाएंगे ना? मतलब दोनों का रिश्ता इतना करीबी तो है ना? तो उसे मॉम का तीसरा बेटा समझ लो रुचिता, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है दोनों की, वो संभाल लेगा। तभी तो झेल रहा हूं उसे अपने घर में। रुचिता, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा।